अब्दुल्ला आजम, आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम जो हैं वो अपने वालिद आजम खां के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और हल्के हल्के राजनीति में उनके कदम जो हैं वो जम चुके हैं। कर दरूम में उन्होंने जो है रामपुर की जनता के साथ जो है वो खिताब किया और बजा दिया उपचुनाव का बिगुल। जी हाँ, उपचुनाव का बिगुल बजा दिया और बता दिया कि सपा पार्टी जो है वो पीछे नहीं है। सपा पार्टी जो है वो इस बार भी जिस तरह कब्जा रहा है, हमेशा सपा पार्टी का रामपुर सीट पर ऐसे ही सपा पार्टी का कब्जा रहेगा। और अब्दुल्ला आजम ने ये भी कहा कि आजम खां जो हैं वो मौजूद रहेंगे, कल जब पर्चा भरा जाएगा, जब नामांकन भरा जाएगा तो आजम खां भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी बात जो है वो अब्दुल्ला आजम ने कही है, क्योंकि हम जानते हैं कि आजम खां को रामपुर पर ढूंढना इस वक्त बड़ा मुश्किल हो रहा है। आजम खां के फ़ोन भी बन जा रहे हैं और कल जब नामांकन भरे जाएंगे तो आजम खां जो हैं वो रामपुर की जनता के साथ होंगे, ऐसा कहा है उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो कल पर्चा नामजदगी से पहले हमारे भाई हमारे डीजी आजम भाई तो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आजम भाई कोई एक दिन में नहीं बनता। इंसान आजम का रिक्शे वाले में आंसू पहुंच कर बनता है, इंसान आजम का रजा टेक्सटाइल के मजदूरों की लड़ाई करके बनता है, इंसान आजम का तब बनता है जब वो हर इंसान की खुशी और गम में शरीक होता है। इंसान आजम का तब बनता है जब उन लोगों को हुकूक मिलते हैं जिन्हें आठवीं से ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं थी। इंसान आजम का तब बनता है जब वो एक हिंदुस्तान के तालीमी पिछड़े हुए जिले को एक नया विश्वविद्यालय बना देता है। तसव्वुर करिए आप आने वाला कल और सब छोड़ो रामपुर, अपनी पहचान छुपाओ, रामपुर से बाहर जाओ और किसी इंसान से पूछो तो चंद मुखालिफों का जब नाम लोगे तो लोग कहेंगे कि यार बताओ रामपुर में ऐसे बेगरम लोग भी हैं। ऐसे लोग जिन्होंने गरीब और मजबूत लोग बेसहारा लोग चाहे वो होशियार मान ले चाहे वो